दिवाली का टाइम आ गया और एक चीज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैवल करती है, जो 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 जहाँ आप सोच भी नहीं सकते ना, वो वहाँ चले जाती है। आप पता है किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ सोन पापड़ी की। जहाँ भी देखो ये ट्रैवल ही करते रहती है, ट्रैवल ही करते रहती है। पार्टी, ये देख कैमरा। तो इस बार 2 साल बाद लग रहा है कि दिवाली बन रही है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल वाला टाइम था कोविड वाला टाइम, और कोविड वाले टाइम में बहुत कम लोग थे और बहुत कम रौनक थी मार्केट में। इनफैक्ट जितने भी बाजार हैं वो सारे के सारे सजे हुए हैं। तो इस बार रौनक है मार्केट में और दिवाली दिवाली की तरह लग रही है कि लोग दिवाली मना रहे हैं। कितना सुंदर है यार, सीरीज डाली हुई है ना, नाइस। सबसे ज़्यादा आलस का काम मुझे पता है क्या लगता है, हेयर कट कराना और शेव करना। महीने में एक बार हेयर कट कराने जाने के लिए ऐसा लगता है कि मतलब आज अगर मैं सोचूंगा ना कि मुझे हेयर कट कराने जाना है तो मुझे एक हफ्ता लगेगा उस हेयर कट को अंजाम देने में। तो 5-6 दिन बाद मैं आज अभी निकल पा रहा हूँ हेयर कट करने के लिए। बट जब मैं हेयर कट करा लेता हूँ और शेव करा लेता हूँ तो लगता है कि यार हर 15 दिन में ये ना कराना चाहिए। इस भाई को देखो कैसे मस्त बैठ के जा रहे हैं सोफे पे, देखा नहीं है? नहीं देखा। ये देखो। यार गाड़ी चलाने की उम्र थोड़ी ना है तुम्हारी। छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, बोलने का टाइम आ गया है। हम लोग दिए जला रहे हैं, दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। तो आज के दिन हमारे 11 दीपक जलते हैं और एक देसी घी का दिया जलता है और बाकी सरसों के तेल के दिए जलते हैं। दिवाली की तैयारी शुरू हो गई है और ये इक्षु हमारी हेल्प कर रहा है दिवाली की तैयारियों में। इक्षु क्या कर रहे हो तुम? नहीं बेटा उसको वहीं रखो, प्लेट में रखो, वो रोली टीका है बेटा, उधर रखो, प्लेट में रखो, प्लेट में, प्लेट में रखो इक्षु, प्लेट में रखो, यहाँ रखो, यहाँ पे, यहाँ रखो इसको, इसको यहाँ रखो, यहाँ पे रखो, हाँ वेरी गुड, इसको इसके अंदर रखो, इसको इसके अंदर रखो, ठीक है। और जय करो, जय जय करो, इधर आके मेरे पास, इधर बैठ के जय कर। अच्छा हाँ, ये फ्रूट्स हैं, अभी शाम को हम लोग और लाएंगे और यहाँ पे रख के भगवान जी को भोग लगाएंगे। आपके लिए मम्मी ने अनार छीला ना। एक्चुअली दिवाली की शॉपिंग ख़त्म ही होने का नाम नहीं दे रही है, अभी फिर आ गए हैं। और दिवाली तो आज है बट दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा है, उसके बाद भैया दूज है, तो उसकी भी शॉपिंग अभी आज ही करनी पड़ी थी, क्योंकि कल दिवाली के एकदम दिन बाद जो है वो गोवर्धन पूजा होती है, जो एक दिन बाद नहीं है इस बार एक दिन का गैप है, बिकॉज कल सूर्य ग्रहण है। आज सुबह से मेरा तबीयत ठीक नहीं था, बहुत ज़्यादा एलर्जिक स्नीजिंग हो रहा था मुझे, तो अभी जस्ट थोड़ा सा सेटल हुआ तो मैंने कहा चलो चलते हैं, धूप बहुत है, बट स्टिल भी जस्ट थॉट कि चलो इक्षु को भी एक घुमाना हो जाएगा और थोड़ी सब्जी भी ले आएंगे और फ्लावर्स जो हमारे पेंडिंग है वो भी ले आएंगे और बस वही काम एक बचा है, फ्लावर लेते हैं और निकलते हैं घर के लिए। काफ़ी हद तक हम लोगों ने तैयारी कर दी है, यहाँ पे फूल माला और ये कुछ तो
सीरीज लगाई है लाके। ये सीरीज घर पे रखी हुई थी, बट ये वाली जो स्टार वाली सीरीज है हमने आज लेकर आए हैं, ये बहुत टाइम से दिमाग में थी। इक्षु बेटा ये सब नहीं करने का है, ये नहीं, ये थाली अंदर लेके जा रहे हैं, भगवान जी को अंदर लेके जा रहे हैं। चलो ये तो तोड़ताड़ देगा सब, उठा ली थी पूरी थाली इसने। क्यों पूजा करनी है बेटा, पूजा का कपड़ा है, केला खाओ तुम अपना। चलो इक्षु झूठा चीज वहाँ नहीं रखते बेटा, भगवान जी का आसन है वो, खाओ इसे। मम्मी को देख रहा हूँ, मम्मी को देख रहा हूँ। क्या भईवा भईवा कर रहा है? तूने सारा तो उखाड़ दिया यार, यहाँ से इतना मेहनत करके हमने सजाया था यहाँ पे, ये क्या चल क्या रहा है तेरा ये? अच्छा अभी तुम इस पे चढ़ने की कसर बाकी रह गई थी तुम्हारी, अब तुम इस पे चढ़ गए हो, अब तुम्हें डांस करना है इस पे खड़े होके। इस पे खड़े होकर डांस करना चाह रहे हो बेटे? भगवान जी का आसन है ये, और भगवान जी के आसन पे आप इस तरह से चढ़े हुए यार। जय जय माई करनी है ना अपने को? यार देखना इसको डांस कर रहा है तो देखना मैं आगे जरा। एक्चुअली क्या कर रहा है? डांस कर रहा है। ये चल भाई हो गई पूजा। और चिल्ला और चिल्ला। सो ये हमारी तैयारियां हो गई हैं, भगवान जी का आला फाइनली हमने सजा दिया दोबारा, थोड़ा सेटल किया है नया नया अभी, और नया नया पे बहुत अच्छे से ये सोती के भगवान जी हैं, ये अभी आहोई अष्टमी है, और ये गणेश जी की मूर्ति है और लक्ष्मी जी की मूर्ति है। ये खुल रहा है पिटारा हमारे घर की बनाई हुई मिठाई का। तो नेहा ने बहुत मेहनत से ये कल लड्डू बनाए हैं। ये लड्डू किस चीज़ के हैं नेहा, बताना कब कष्ट करेंगे आप? तिल के लड्डू हैं, ये तिल के लड्डू हैं जो स्पेशली घर पे बनाए गए हैं। और एक और वैरायटी नेहा ने बनाई है जो है नारियल के लड्डू। नारियल के लड्डू ये है, नारियल के लड्डू। जरा ऊपर करके इनको दिखाने का कष्ट करेंगे आप? देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं यार, ये तो बहुत ही टेस्टी भी लग रहे हैं। हाँ बट फिलहाल भगवान जी को भोग चढ़ा रहे हैं। हाँ अभी नारियल के लड्डू और तिल के लड्डू को बनाने की विधि का जो विवरण है वो आपको मिल जाएगा, बट वीडियो फॉर्मेट में अभी नहीं मिल पाएगा आपको, अभी रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगा जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ से कॉपी करके ट्राई कर सकते हैं ये लड्डू बनाने का। तो फाइनली यहाँ पे सारा का सारा प्रिपरेशन हो चुका है दिवाली की पूजा का, और अभी हम सब लोग रेडी हो रहे हैं, मम्मी मैं नेहा इक्षु हम चारों रेडी हो रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे पूजन करेंगे और लक्ष्मी जी और गणेश जी की आरती गाएंगे, और आज का जो दिवाली का पूजा करने का समय है वो 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है। लगा रहे हैं, एक इसमें रखो, एक इसमें रखो, एक इसमें, चारों में रखनी पड़ेगी बेटा।
रखो भगवान जी के आगे, मत्था टेको, नाक रगड़ो, जय कर दो फटाफट, जय कर दो, जय।